सभी दर्शकों से वैशाली टुडे अपील करता है कि 20 मई और 25 मई को लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में अपना मतदान अवश्य करें। मतदान प्रतिशत बढ़ाने में अपना योगदान जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। आज हम खड़े हैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र के कमलपुरा मठिया चौक पे, जहां पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ मीटिंग चल रहा है, लोग बैठे हैं, आपस में कुछ बातें हो रही है। निश्चित तौर पर चुनाव को लेकर ही ये चर्चा हो रही है। चुनाव को लेकर किसको वोट करना है, कौन प्रत्याशी हमारे लिए अच्छे होंगे, हमारा विकास कर पाएंगे, हमारे क्षेत्र का विकास कर पाएंगे, ये तमाम मुद्दों पर आज लोग बैठे हैं और बात कर रहे हैं। हम भी यहाँ पहुंचे हैं, वैशाली टुडे की टीम यहाँ पहुंची है और लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर इन लोगों का क्या मुद्दा है, इस बार किस मुद्दे पर चुनाव वोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले चाचा है हमारे साथ, क्या नाम है सर? हमारा नाम है राम देनी राम। राम देनी राम, आज जो ये मीटिंग चल रहा है, आप लोग मीटिंग बुलाए हैं, क्या है विषय? विषय है यहाँ वैशाली लोकसभा क्षेत्र से मुन्ना शुक्ला के लिए हम लोग वोट, हम नहीं अकेले रहा जी, हाँ हम लोग वोट उनको देने जा रहे हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार लालटेन छाप पर। क्या वजह है? वजह है कि यहाँ बहुत बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इनके खिलाफ हम लोग यहाँ इनको बुलाए हैं, इनको प्रत्याशी को वोट देंगे, हम लोग इनको जिताएंगे। कहने का मतलब है कि लोग कहते हैं कि विकास हुआ है, देश में बहुत विकास कर रहा है, आप लोगों की इधर कुछ हुआ है काम? 10 साल से तो यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, आज देखिए विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ 10 साल पर। झूठा मोदी तो झूठ बोलते हैं, झूठा पार्टी बीजेपी, झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, बहुत बड़का झूठा पार्टी। यहाँ रोड का स्थिति जो आज है जर्जर हो गया है, रघुवंश बाबू यहाँ थे तो यहाँ रोड का पूरा यहाँ अथी हाँ हुआ था, लेकिन आज पूरा रोड जर्जर हो चुका है। इनके खिलाफ हम लोग शिलापट वगैरह कहीं पे कुछ दिखता है, कोई काम कुछ नहीं दिखता है यहाँ, कोई शिलापट, कोई उद्घाटन, कुछ नहीं, सिर्फ गेट का एगो सिंह द्वार, आवास योजना हो या कुछ नहीं, आवास योजना तो बंद हो गया 10 साल पहले से बंद है। मुखिया लोग वहाँ जाकर के दिल्ली में जाकर के धरना प्रदर्शन दिए, वहाँ भूख हड़ताल किए, उनको मुजफ्फरपुर के लिए बंद है, आवास का पैसा नहीं आ रहा है, कहीं कोई पैसा नहीं है, मुखिया लोग तो पूरे जिला का बंद है। एक और भाई साहब हमारे साथ, सर आप युवा हैं, क्या नाम हुआ? रजनीश कुमार। अच्छा, किस विषय पे इस बार वोट हो रहा है, क्या मुद्दा है? मुद्दा मेन है हम लोग का जो चिराग पासवान टिकट बेचे हैं इसके लिए, और पता ही एयरपोर्ट जो है, चिराग पासवान टिकट बेचे हैं, मतलब टिकट जो है यहाँ एनडीए का जो टिकट हुआ है, ठीक है, और चिराग पासवान बेचे हैं, हल्ला है कि 25 करोड़ रुपया में चिराग पासवान जी बेच दिए हैं। हम लोग को क्या मिला? 37 करोड़ में बेचे, हम लोग वोट दे और कोई जो है 25 करोड़ में टिकट बेचेगा, इसी के लिए उस पार्टी को हराना है, इसी बात की नाराजगी, इसी बात के। और पता है एयरपोर्ट जो है, मोदी जी आए कि चीनी मिल चीनी पियेंगे और पता है एयरपोर्ट से हवाई जहाज उठाएंगे, तो नहीं सब हुआ, इसके लिए हम लोग इस बार नहीं चालू हो सका, नहीं हो सका। चलिए सर, आप लोगों का क्या मुद्दा है, किस विषय पर? ये तो नाराज है कि चीनी मिल इनका चालू नहीं हुआ। मुद्दा है कि यहाँ सड़क जो है ना काफी जर्जर स्थिति में है, पहला। दूसरा, ये सिंचाई का प्रबंधन नहीं हो सका है, पूरा आपका जो है ना पाड़ू से लेकर जो सर्विस सड़क नहर है अभी आप भी देखेंगे कहीं पानी नहीं है, सिंचाई इधर खेती का बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। और भ्रष्टाचार जो है ना कृषि के मामलों में, हर मामलों में कुछ न कुछ पैसे लेन देन का था, इस पे कोई काम पर लगाम नहीं लगा, नहीं लगा है। और सिंचाई और बिजली और ये क्या सड़क तो बहुत बुरा हाल है, कहीं भी गली मोहल्ले की सड़कों बहुत टूट है, इस पे कोई ध्यान नहीं है, यही है, इसी को लेकर के बदलाव करने का बोध है। तो लोग कहते हैं कि देश विकास कर रहा है, विकास नहीं, नहीं नहीं, वो सिर्फ कागजों में है और न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया न्यूज में आ रहा है, वैसे धरातल पे आप उतरेंगे तो वैसे कोई विकास, किसान की बात की, किसान सम्मान योजना जो है वो आप लोगों को मिल रहा है? नहीं, उसमें तो पैसे लगते हैं, जो पैसे देता है उसका KYC करके वो आपको मतलब 2000 रुपए मिलते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो 2000 से भाई, अगर मुझे सही से टाइम पे खाद पानी सिंचाई का व्यवस्था हो जाए तो उसकी जरूरत नहीं है, किसान खुद स्वयं वो बेच के अपना जीविकोपार्जन कर सकता है, उसे विकसित कर सकता है। मेरा नाम होगा नाहिद हुआ, तुरकोलिया
चलिए और भी कुछ लोग हैं मीटिंग में बैठे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। समुद्रपुरा गांव में आप आए हैं, यहाँ पर लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, आपने एक बात कहा कि किसी की बेटी कहीं किसी के साथ आ जाती है जाके आप बंधन शादी भी बांध लेगा, इसके पीछे क्या वजह है, इस बात को बोलने के पीछे क्या कारण है? देखिए एक्चुअली क्या है कि मैंने जो कहा है मैं पुनः उसको दोहराता हूँ कि आजकल तो बच्चे बात नहीं मानते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे आपकी जाति में शादी कर ले, इंटर कास्ट मैरिज होता रहता है, संदर्भ यही है, कोई किसी इस चीज को कहीं भी जोड़ ले ये उसके फिगामेंट ऑफ इमेजिनेशन है, मेरे शब्द नहीं है, मैं तो देखता रहता हूँ ना लोगों को। आज किशोर कुणाल जी की बेटी की शादी किससे हुई आप लोग सबको मालूम, मोहन भागवत जी ने जब मुझे बुलाया, किशोर कुणाल जी मेरे बगल में बैठे हुए थे, डॉक्टर एकेपी यादव बैठे हुए थे, वहां भी ये बात हुई, उन्होंने पूछा क्या है, फिर उन्होंने कहा ठीक है। क्या माना जाए कि इंटरकास्ट मैरिज के बहाने आप अपने विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं? नहीं, विपक्ष पे मैं क्यों निशाना साधूंगा, मेरा तो कोई विपक्ष ही नहीं, जो समझी जी के विपक्ष है आप जी? नहीं, मेरे समझी के भी कोई विपक्ष नहीं है। देखिए ऐसा है, मैं पुनः आपको यह बात दोहराता हूँ कि हमारा कोई विपक्ष नहीं, किसी से कोई हमारे प्रतिद्वंदी हो सकता है, हमारा कोई दुश्मन नहीं, तो प्रतिद्वंदी है, और जब मुझे उस पर अटैक करना आता तो इतनी सारी चीजें हैं कि इस चीज को उससे जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, जब तक जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने जो कहा मैं स्टैंड करता हूं, ये होता है, ये होता रहेगा, समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, आज हमारे और आपके पास वक्त नहीं है कि हम अपने बच्चों को समय दे सकें, तो जाहिर सी बात है वो इतर वो कमी को दूर करने का प्रयास, निश्चित तौर पे। अभी मैं जब आ रहा था तो रास्ते में अपने पोता को मैंने उतारा है, वो 3.5 साल का बच्चा है, मैंने पूछा नाना के लिए वोट मांगने चलोगे या बब्बा के साथ जाओगे, बोला वोट नहीं मांगना है, बब्बा के साथ जाना है, तो फिर पेट्रोल पंप पे डॉक्टर इन लोग के पास छोड़े, हम बोले बस बब्बा 2 मिनट में आते हैं, आपको देना पड़ेगा समय, अदरवाइज आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो संस्कार की बात होती है, इसीलिए मैंने कहा भी था बात संस्कार की, विकास हुआ है और विकास के मुद्दे पर होगी, तो कुल मिलाकर ये सब लोगों का अपना अपना मत है और अपने अपने विचार हैं, लोग कुछ लोगों का कहना है कि विकास हुआ है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी विकास नहीं हुआ है और इससे मारा गया हम लोग, हालांकि यहाँ चुनाव 25 तारीख को होना है और 25 तारीख को 4 तारीख को फिर उसका परिणाम आएगा, परिणाम में ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये लोग किस विषय पे परिवर्तन किए या फिर से सरकार का समर्थन किए। बहरहाल वैशाली टुडे आपसे यही अपील करता है कि अपना मतदान जरूर करें, मतदान ही आपका कल्याण करेगा, इसलिए हर चौक हर चौराहे पर जहां भी हमारी बात होती है वैशाली टुडे यही अपील करता है कि अपना मतदान जरूर करें। प्रकाश कुमार मधुक, वैशाली टुडे।